अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक इफ्तखार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्री स्पार्क ऑफिशियल। दोस्तों, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हाथों से बनाई हुई मुजस्मा साजी है, जो कि ब्रोंज़ की सूरत में और ब्रोंज़ के ही मटेरियल से बनाई गई है। दोस्तों, यह मुजस्म साजी तकरीबन आज से 200 साल पहले की गई थी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज से 1400 साल पहले इस दुनिया में दीन इस्लाम के लिए तशरीफ़ लाए। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, काइंडली मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं दोस्तों मैं इस अहम मालूमात की तरफ, जो कि ये है। ये मुजस्मा जिस साहब के पास भी है, वो साहब ये मुजस्मा अतिया, डोनेट या गिफ्ट की सूरत में देना चाहते हैं, और इन साहब की ये भी ख्वाहिश है कि गिफ्ट के सूरत ही में उनको तकरीबन $1,00,000 दिए जाएं, ताकि वो इन पैसों से यतीमों, गरीबों, बेवाओं और मोहताज लोगों की और दीन की खिदमत में ये पैसा सर्व कर सके। दोस्तों, अब आता हूँ मैं इस वीडियो में, जिसका बयान मैं दो सूरतों में करने जा रहा हूँ, जो कि पहला बयान इसमें इंग्लिश उर्दू में होगा, लिहाजा मैं पहला बयान इसका उर्दू से ही शुरू करता हूँ, जो कि ये है। मुस्तकबिल का एहसास अहले किताब में से कोई नहीं है, लेकिन वो अपनी मौत से पहले ही इस पर यकीन करेगा, और क़यामत के दिन वो इनके ख़िलाफ़ गवाह होगा। कुरान मजीद। मुस्तकबिल के मानी में ये कहा जाता है कि यसु क़यामत के दिन तक नहीं मरेगा। इसके मुताबिक, कुरान के मुताबिक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पास जाने से पहले नहीं मरे थे, और ना ही वो क़यामत के दिन पहले मरेंगे। ज़्यादातर मुसलमानों की तर्जमानी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा जन्नत में दाखिल हुए। कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, जिस दिन मैं मर जाऊँगा की तर्जमानी ज़्यादातर मुसलमान मुस्तकबिल के मानी में करते हैं, यसु क़यामत के दिन मरेगा। दोस्तों, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट इस तरह है, फ्यूचर सेंस इडिट, देर इज़ नन फ्राम द पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर बट विल बिलीव इन हिम बिफोर हिज हर ओन डेथ एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट ही विल बी ए विटनेसेस अगेंस्ट देम इन द फ्यूचर सेंस इट इज़ सेड that Jesus will not die until the day of judgment. Given that according to the Quran, Jesus had not died before going up to God, nor will he die before the day of judgment. The interpretation by most Muslims is that Jesus entered heaven alive. Jesus' words, the day I die in Quran, are interpreted by most Muslims in the future sense. Jesus will die on the day of judgment.